कोई टाइम होता है, वो टाइम क्या होता है, जनरली पेन टेस्टिंग आपकी तब परफॉर्म करी जाती है जब आपकी कंपनी में कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हो, आपकी कंपनी में नए सर्वर्स लगे हों, आपकी कंपनी में नए डिवाइसेस लगे हों, तब आप अपनी कंपनी में पेन टेस्टिंग करवा सकते हो। या फिर आपकी कंपनी का जो पुराना इंफ्रा था, पुराना आपका आईटी इंफ्रा था, पुराना आपकी टेक्नोलॉजी थी, उसको आप रिप्लेस करके उसको आप अपडेट कर रहे हो, तब आप करा सकते हो। आपने अपनी कंपनी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में नए कुछ अपडेट डाले हैं, नए आपने फेच किया है, नई नई चीजें आपने इंस्टॉल करी हैं, तो उसके दौरान आप करा सकते हो। अगर मैं पेन टेस्टर की एथिक्स की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एथिक्स। एक एथिकल हैकर में और एक हैकर में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एथिक्स। तो आपके क्या क्या एथिक्स होते हैं, तो अगर आप एक पेन टेस्टर हो तो कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पहले आप सबसे पहले उसकी रिटन परमिशन लोगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको पता चला कि यहाँ पे कोई वर्नरेबिलिटी है और हमने बिना परमिशन के उसके सिस्टम में अटैक करना स्टार्ट कर दिया, भले ही आप एक अच्छे माइंडसेट से कर रहे हो, आपका जो कॉज हो एक अच्छा हो, आप कुछ गलत नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप विदाउट परमिशन कोई भी काम करते हो तो दैट इज इलीगल। तो आपको एक रिटर्न परमिशन चाहिए क्लाइंट से कोई भी पेन टेस्टिंग करने से पहले। कोई भी चीज़, अगर कोई भी वर्नरेबिलिटी आपको टारगेट के बारे में पता चलती है तो उसको कहीं भी बाहर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, ये भी आपका एक एथिक होता है। उससे पहले कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पहले जितने भी आपके टूल्स होते हैं उसको आपको एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में टेस्ट करना होता है, या फिर उसको आप आइसोलेटेड लेबोरेटरी भी बोलते हो। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपका इफेक्ट ना करे मेन सिस्टम पे, यानी कि जिस तरीके से हम वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल मशीन में जो कुछ भी हम काम करते हैं उसका असर हमारी मेन मशीन पे नहीं होता है। रिपोर्ट राइटिंग में आप ये करते हो कि जितनी भी चीजें आपने अभी तक पूरे पेन टेस्टिंग में करी, यानी कि फर्स्ट फेज से लास्ट फेज तक जो भी चीजें आपने करी, यानी कौन कौन से आपके टूल्स लगे, किस किस तरीके से आपने उस वर्नरेबिलिटी को कवर किया एंड कितना टाइम लगा, वो सारी की सारी चीज़ आप रिपोर्ट राइटिंग में डालते हो। रिपोर्ट राइटिंग के कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज होती है रिपोर्ट प्लानिंग, सेकंड स्टेज होती है इंफॉर्मेशन कलेक्शन, थर्ड स्टेज होती है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, एंड फोर्थ स्टेज होती है रिव्यू एंड फाइनलाइजेशन। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं रिपोर्ट प्लानिंग की, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस पेन टेस्टिंग से, फिर क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं इस पेन टेस्टिंग से। सेकंड आप ये बता सकते हो रिपोर्ट प्लानिंग में कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं, या फिर कितना टाइम इस पेन टेस्टिंग को करने में लगा है, क्या ऑब्जेक्टिव था, कितना टाइम लगा, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन थी, एंड आपने ये रिपोर्ट किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करी है। क्योंकि आपको एक बार पूरा आपने वर्नरेबिलिटीज निकालना, उसको फिक्स कर दे, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को बताते हो कि कितना टाइम लगा एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सब चीज़ें आप रिपोर्ट प्लानिंग में आता है। सेकंड अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की, तो यहाँ पे आप बताते हो कि जो भी आपने स्कैनिंग करी, जो भी आपने वर्नरेबिलिटी असेसमेंट करा, उसका रिजल्ट क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या डिटेल्स आपको मिली, आपने क्या क्या चीज़ें उसमें आगे परफॉर्म करी, वो सारी चीज़ें जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्शन वाले फेज में डालते हो। उसके बाद हमारे पास स्टेज आता है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट के अंदर जितनी भी आपको चीज़ें अभी तक मिली हैं, जैसे कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी इस पूरे पेन टेस्टिंग के दौरान, जो भी आपने प्रोसेस का, जिस भी प्रोसेस का आपने इस्तेमाल किया, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, वो पूरा आप एक ड्राफ्ट के फॉर्म में एक पूरा रिपोर्ट रेडी करते हो। रिपोर्ट को रेडी करने के बाद आपकी रिपोर्ट रिव्यू के लिए जाती है, वो आपके सीनियर को भी जा सकती है, या फिर आपके वो कलीग जिन्होंने आपके हेल्प करी पेन टेस्टिंग करने के लिए, वो उनके पास जाती है, उनको रिव्यू करते हैं, उसको फाइनल करते हैं। अगर उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है देन वो आपकी रिपोर्ट में कोई चेंजेस करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपकी रिपोर्ट होती है कंप्लीट। तो ये लास्ट फेज होता है आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।